कि किसान आगे बढ़ रहा, किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया, केंद्र की सरकार ने बंद किया। सभापति महोदय, खेती खेती नहीं, ये जमीन भी बेचना चाहते हैं बड़े पूंजीपति के वाले, इसलिए तीनों हथियार साथ लेके आए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चीज, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं बता रहे कि एमएसपी पर खरीदेगा, बाहर भी कोई खरीदेगा तो? जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो काला धन वापिस आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे, पर हुआ तो नहीं। कैसे मान ले? कागज से मानेंगे, कलम से मानेंगे, लिखित में मानेंगे? और आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है, गलत कह रहे हो आप। पीपड़ी का किसान पूरे देश में छाप छोड़ के गया। अरे हरसिमरत कौर इसलिए इस्तीफा देकर चली गई कि आपकी जमीन, उनकी पंजाब में जमीन, राजनीतिक जमीन खिसकने शुरू हो गई थी। तुम क्या सोचते हो कि राजस्थान में किसान सड़क पर क्यों नहीं आया? आएगा। सभापति महोदय, इन कानूनों से न सिर्फ बड़े पूंजीपति बल्कि नए सरमाएदार पैदा हो रहे हैं। वो सरमाएदार जो अभी तक सिर्फ ऊर्जा में थे, सिर्फ पावर में थे, सिर्फ दूसरे संसाधनों में थे, वो एयरपोर्ट खरीद रहे थे, वो रेल खरीद रहे थे, वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ये कानून केंद्र की सरकार से बनवाने में कामयाब हुए हैं। सभापति महोदय, देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, सिर्फ सत्य की और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता। गांधी और टैगोर और भगत सिंह बनने के लिए जो त्याग और बलिदान की जरूरत है, उसकी कमी है आज, उस कमी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देश के किसान को आगे ले जाने के लिए जो सिर्फ कानून, 3 संशोधन कानून लेके आए, न सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि कानून ठीक लेके आए हो, लेकिन इस कानून में भी एक चीज हम और चाहते हैं, आप भी ये लाइन लिखते कि एमएसपी से नीचा मंडी में भी खरीद नहीं करी जाएगी। पूरे राजस्थान समेत पूरे हिंदुस्तान का किसान कहता कि राजस्थान की विधानसभा में ऐसा कानून आया है जो केंद्र की सरकार को पटकनी देने वाला कानून बन के आया। मैं समझता हूं मेरा यह प्रस्ताव आप स्वीकार करें। सभापति महोदय, यह मजाक नहीं है कि आप यह कह दो किसी आदमी से कि तेरी जमीन मैं ठेके पर लेऊंगा, जमीन ठेके पर ले ली, और फिर उसको यह कह दो जैसे पेप्सिको ने पंजाब में कहा था कि आलू बोइए, आलू बोलिए, एक साल खूब खरीदे, दूसरी बार फिर किसानों ने आलू बोए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आलू ज्यादा पैदा हो गए, पेप्सी को खरीदना नहीं चाहती थी, एक कड़ा ले आए, कड़ा और इस कड़े के अंदर से जो आलू गुजरेगा हम तो सिर्फ वही खरीदेंगे। आलू सड़क पर गया, टमाटर सड़क पर गया है, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने का परिणाम ये आएगा कि 200 रुपए किलो आलू चला जाएगा, प्याज चला जाएगा, टमाटर चला जाएगा, महंगाई आसमान छू जाएगी, इनके हाथ कट जाएंगे। जो जो कानून आपने मंडी तोड़ने का लेकर के आए हो, मंडी टूट जाएगी, खरीदार नहीं बचेगा, दर दर की ठोकर खाएंगे। किसान के पास जब खरीदार नहीं होगा, कोई खरीदेगा नहीं, वो खेती से मोह भंग हो जाएगा, जमीन छुटाना चाहते हैं, लक्ष्य जमीन छीनना है। इस लक्ष्य के भेदने के लिए ये सिर्फ तीनों कानून जो राजस्थान लेके आए ये काफी नहीं है, इन कानूनों में और मजबूती की जरूरत है, और मजबूती से केंद्र के कानूनों का विरोध करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के उस आंदोलन का गवाह रहा हूं जो सिंचाई पानी को लेकर के हुआ, मेरे पुरखे उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जो जमीन छीनना चाहते थे, 1970 के किसान आंदोलन के गवाह रहे और जेलों में रहे, साथ साथ लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं केंद्र की उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे, हम जेलों की चकियों की रोटी खा खा करके विधानसभा पहुंचे। मजाक नहीं है जो आपके कानून लागू कर दोगे, आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन आंदोलन की बात कर रहे हो, रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा, जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी, मंडी उसी की होगी जो मंडी में काम कर रहा है, मंडी से बाहर दूसरी मंडी का जो सपना आप दिखा रहे हो, ये सबज बाग हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे। सभापति महोदय, मैं उस मेरी क्षेत्र का किसान हूं जहां आज से 20 साल पहले सीएडी ने खाड़े बनाए थे, जब मैं मंत्री जी से मिला, सिंचाई मंत्री से, कि हमारे खाड़ों की मरम्मत करो, बोले केंद्र ने सीएडी बंद कर दी, हमारे लिए ये मौत का फरमान है, ये तीनों कानून भी मौत के फरमान है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं ये सिर्फ 3 कानून यही नहीं है, भविष्य के कानून और बता रहा हूं, नया बिजली का कानून लेकर के आएगा केंद्र, सारे हिंदुस्तान की पावर
अडानी को सौंपने का मन बना रखा है, अंबानी को अडानी को देश लुटाना चाहते हैं, एनजीटी पर स्पेशल कानून लेकर के आ रहे हैं, पर्यावरण पर कानून लेकर के आ रहे हैं, पर्यावरण के नाम पर जो आसाम से कोयला नहीं खोद पाए थे उसके खिलाफ ये कानून लेकर के आ रहे हैं, ये देश की संपदा को लुटाना चाहते हैं, या झूठ बोल रहे हैं, एयरपोर्ट उनको दे दिए, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया, या झूठ बोल रहे हैं जल और जंगल जमीन देना चाहते हैं। हम इसकी मुखालपत करते हैं, न सिर्फ मुखालपत राजस्थान की विधानसभा में करते हैं, सड़क पर करेंगे, लड़ेंगे, सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद।